नालडेरा के एक पॉइंट में रुक के हमने यहाँ से पोनी ली, लेकिन पोनी पे बैठने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया और उनकी लगाम हम छोड़ नहीं सकते थे, इस वजह से आते वक्त मैं शूट नहीं कर पाया। फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ गॉस कोर्स नालडेरा में, जो कि 1905 में बना था। बेसिकली ये नेचुरल है और ये इंडिया का पहला नेचुरल गॉल्फ कोर्स है। वैसे मैं एक बार शिलोंग भी गया था, शिलोंग में भी इसी की तरह एक और नेचुरल गॉल्फ कोर्स है, लेकिन ये पहला है। बस एक चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि थोड़ा बारिश हो रही है इस टाइम, है ना। अदरवाइज यहाँ पे तो आराम से बैठ के पिकनिक स्पॉट है, तो आराम से मस्ती मार सकते थे। साथ ही बोले तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी घोड़े या किसी पोनी पे सवार होने का, लेकिन मेरी मिसेस पहले ही हो चुकी है। जब वो आई थिंक 5 साल पहले यहाँ आई थी शिमला में, तो तब ये कुफरी जा रही थी, तो उसने ये पोनी या घोड़ा यूज़ किया था। तो आप बताइए बॉबी, इन दोनों में से किस में सबसे ज़्यादा भयानक एक्सपीरियंस आपका? वो सही होती है। अच्छा, और यहाँ के जो ऊबड़ खाबड़ रस्ते थे, यहाँ के ज़्यादा खतरनाक थे या वहाँ के इक्वली थे? मैं तो कभी कुफरी गया नहीं, तो इसलिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये कह रही है कि ऑलमोस्ट इक्वली चढ़ाई थी दोनों में। फिलहाल मेरा तो बड़ा भयानक एक्सपीरियंस रहा है। वापस मैं पहुंच गया हूँ अपनी कैब में। तो नालडेरा में मैंने ये गॉल्फ कोर्स देखा, उसके आसपास दो चार जगह हैं, जैसे कि एक काली माँ का टेंपल है, ऊपर से एक शूटिंग पॉइंट है, एक दो चीज़ें और है जो आप कवर कर सकते हैं। हालांकि मेन फोकस आप गॉल्फ कोर्स में कीजिए, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अभी बारिश हो रही थी, कुछ ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाए, लेकिन एक्चुअल में ये पिकनिक स्पॉट भी है। तो आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ पर गॉल्फ कोर्स में आना है तो एक पिकअप पॉइंट है जहाँ से आपको पोनी करनी पड़ेगी, जो कि 500 रुपये चार्ज करती है पर पोनी। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, नो कंसेशन एट ऑल।
मैं पहुंच गया हूँ इस वक्त एप्पल फार्म। मेरा बेबी हो रहा है इस वक्त, लेकिन आपको दिखाता हूँ कि ये एप्पल फार्म का नाम क्या है। रीजनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। देखें आगे टिकट चार्जेस क्या हैं। फ्री एंट्री। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं फार्म, ये रिसर्च पर्पस के लिए बनाया गया है। यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला यहाँ पे इन फ्रूट्स पे एक तरह के रिसर्च होते हैं और इनकी क्वालिटी का पता लगाया जाता है। ये फार्म किस लिए, किस पर्पस के लिए? रिसर्च सेंटर है, फ्रूट रिसर्च स्टेशन। यहाँ पे रिसर्च होता है फ्रूट पे। किस चीज के ऊपर होता है रिसर्च? यहाँ एप्पल पर होता है। एप्पल पे। मैंने और कोई फ्रूट नहीं मिलेंगे यहाँ पे? और कोई नहीं मिलेगा। इसका क्या रोल है, मतलब रोल इसका है यहाँ पे कितने बारिश हो रही है, कितना वो धूप आएगा, इस हिसाब का टेम्परेचर का। और कुछ बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में भैया? बाकी यहाँ की जगह खास कर का एप्पल वगैरह का है। बाकी नीचे जाओ ग्लास हाउस है, फ्लावर वगैरह का म्यूजियम होगा ऊपर। हाँ जी, सब कुछ लिखा होगा। अच्छा, आप पौड़िया चढ़ जाए जैसे ऊपर और म्यूजियम खुला है। अच्छा, म्यूजियम में किस चीज़ के बारे में बताया होगा? एप्पल के बारे में। एप्पल के बारे में पूरा बोर्ड लगेगा आपने वहाँ से। ओके, थैंक यू भैया। इस तरह के फार्म भी यहाँ पे हैं, इसके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। और देखो किसने अच्छे तरीके से रखा गया है यहाँ पे, जितने भी पेड़ पौधे हैं अभी आपको दिखाता हूँ। I'm not sure about that, but मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो this is a kind of observatory. कैमरे में अभी आप मुझे देख रहे हैं और अब मेरी फैमिली को देखिए कहाँ चढ़ी हुई है। मैंने अभी तक बस यही सुना है कि पूरे इंडिया में दो जगह के एप्पल ही मशहूर हैं, एक तो है कश्मीर का और एक है शिमला का। और शिमला का इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पे उसकी क्वालिटी का अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। जब 2 महीने पहले मैंने अपनी शिमला की बुकिंग करी थी, तब यहाँ का टेम्परेचर मैंने चेक किया था, तब पता चला कि यहाँ पे इस टाइम में कोई बारिश नहीं होने वाली है। लेकिन जब लास्ट वीक चेक किया बुकिंग करने के बाद, तो पता चला मुझे कि यहाँ पे शुरू के 2 दिन बारिश होने वाली है। तो आज मुझे पता था कि बारिश होने वाली है, फिर भी रिस्क मैंने नालदेहरा का और ये मशोबरा का ट्रिप रखा, पर बारिश ने थोड़ा मज़ा किरकिरा किया। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहूँगा कि एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज के दिन। जैसे मैंने जाकू टेम्पल कवर कर लिया, तब ड्रिजलिंग हो रही थी, इतना अच्छा वेदर नहीं था लेकिन इतना ख़राब भी नहीं था। लेकिन अभी ये एप्पल फार्म में पहुँचा हूँ, इस पर बड़ी झमाझम बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी ब्यूटी ख़राब हो रही है। लेकिन तुम्हें तो पता ही है, ट्रैवलर्स तो कहीं पर भी जा सकते हैं चाहे मौसम जैसा भी हो, बस थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अभी उन्हें भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जो कि एप्पल फार्म से रिलेटेड है, जाके देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। इस एप्पल फार्म में टूरिस्ट के लिए एक सिटिंग स्पॉट भी बनाया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। Go, 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 go. You have never wished on go. Behold, did it never, never go.
इस एप्पल फार्म की एंट्री के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 50 रुपये, और करीब 15-20 मिनट में या इनको आधे घंटे में आप ये पूरा कवर कर सकते हैं। Go, go, go.